अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप घर में खैर वाफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपको वेलकम कहते हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले लेक्चर में हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड और फोन ग्रुप को डिस्कस किया था। आज इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट जो अलाइनमेंट ग्रुप है उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स इस वक्त हम अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 के इंटरफेस पर मौजूद हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर सामने स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा है। इसमें आज हम हमारा जो अलाइनमेंट ग्रुप है इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर हमारे पास टेक्स्ट की जो प्लेसमेंट है उसके हवाले से डिस्कशन होती है, और कुछ हम जो है हमारे सेल्स के साथ जो है तो वर्किंग करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैं जो है तो कुछ टेक्स्ट को लिखूंगा और उनके ऊपर हम सबसे पहले अपनी जो एलिमेंट्स हैं उनको अप्लाई करेंगे और देखते हैं कि हमारा टेक्स्ट जो है वो कैसे दिखाई देता है हमारे सेल्स के अंदर। स्टूडेंट्स, टेक्स्ट को लिखने से पहले मैं यहाँ पर अपने जो कॉलम और रोज हैं इनके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहूँगा। तो इनको इंक्रीज करने के लिए आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि अपने माउस के पॉइंटर को अगर आप लोग इन कॉलम्स के कॉर्नर पर लेकर आते हैं तो आप लोग नोट करेंगे आपको एक लेफ्ट राइट एरो और बीच में एक लाइन दिखाई देती है। जब आप लोग इसको लेफ्ट क्लिक करके थोड़ा सा राइट की तरफ ड्रैग करते हैं, आप नोट करें कि आपका जो साइज है कॉलम का वो इंक्रीज होता जा रहा है। और सेम इसी तरह रो पर भी अगर लाकर इसको नीचे की तरफ ड्रैग करते हो तो आप लोग नोट करें कि आपका जो रो का साइज था, जो हाइट थी, वो इंक्रीज हो गई। तो अगर ऐसा टेक्स्ट जो कि यहाँ पर आपके जो सेल का साइज है उससे इंक्रीज हो रहा हो, तो आप अपने टेक्स्ट के साइज को यहाँ पर एडजस्ट करने के लिए अपने कॉलम और रो की जो हाइट और विड्थ है उसको एडजस्ट कर सकते हैं, जिसका तरीके मैंने अभी आपको यहाँ पर बता दिया। अब यहाँ पर हम कुछ टेक्स्ट टाइप करेंगे, जैसे कि पेशावर। मौजूद है। हम चाहते हैं कि हमारे इस टेक्स्ट को हम इस पूरे सेल में एक अच्छी लोकेशन पर एडजस्ट कर लें, तो उसके लिए आप यहाँ पर एलिमेंट्स का इस्तेमाल करोगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास जो एलिमेंट है वो आपको दिखाई दे रही है, टॉप अलाइन। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो स्टूडेंट आप नोट करें कि आपका जो टेक्स्ट है वो टॉप कॉर्नर पर जा चुका है, मींस के टॉप कॉर्नर पे जो लेफ्ट एरिया है वहां पर जाकर प्लेस हो चुका है। इसके बाद आपके पास जो सेकंड है, इसी टेक्स्ट को आपके जो सेल है उसके मिडल में, मींस के यहाँ पर बीच में लाकर अलाइन कर देगा। जो आप क्लिक करते हो तो आप लोग नोट करें स्टूडेंट्स कि आपका जो टेक्स्ट है वो आपके सेल के मिड में आ चुका है, मिड में और लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद जो आपके पास ऑप्शन है वो है बॉटम अलाइन, तो मींस कि आपका जो टेक्स्ट है वो पुरानी लोकेशन जहां से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर अगेन जाकर अपीयर हो चुका है। तो ये तीन अलाइनमेंट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी, ये टॉप, मिड और बॉटम की अलाइनमेंट्स हैं। और इसके बाद जो हमारे पास अलाइनमेंट्स आती हैं वो हमारे टेक्स्ट की अलाइनमेंट है, लेफ्ट, सेंटर और हमारा जो राइट है उसमें उसको अलाइन करता है। तो आप यहाँ पर ऑलरेडी लेफ्ट पर मौजूद हो तो लेफ्ट का ऑप्शन जो है वो आपका सिलेक्टेड है। इसके बाद आप अगर सेंटर पे क्लिक करते हो तो आपका टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आ जाता है, और अगर आप लोग यहाँ से राइट पे क्लिक करते हो तो आपका टेक्स्ट जो है वो राइट पोजीशन पर अपीयर हो जाता है। स्टूडेंट्स, मुझे जो यहाँ पर इस वक्त सुटेबल लगता है वो हम सेंटर को क्लिक कर लेंगे और इसके साथ साथ हम मिडल अलाइनमेंट कर लेंगे, तो हमारा जो टेक्स्ट है वो हमारे सेल के बिल्कुल बीच में आकर अपीयर हो जाएगा, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक खूबसूरत भी दिखाई देता है। आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जो आपको सुटेबल लगे, आप उस हिसाब से अपने टेक्स्ट को यहाँ पर अलाइनमेंट करवा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम अपने टेक्स्ट की जो ओरिएंटेशन है वो भी चेंज कर सकते हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी मर्जी से इसकी जो ओरिएंटेशन भी रखना चाहें आप वो सेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी जो है तो ओरिएंटेशन के स्टाइल्स मौजूद हैं, आप इन पर जो भी अपने टेक्स्ट के ऊपर जो भी ओरिएंटेशन अप्लाई करना चाहो आप उस पर क्लिक कर लें, आपका टेक्स्ट जो है वो उसी फॉर्मेट में यहाँ पर अपेयर हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको अपने जो सेल्स का
हाइट और विड्थ है उसको भी देखना पड़ेगा और उसके हिसाब से आप लोग जो है अपने ओरिएंटेशंस को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा आप लोग इस तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के आपको तरीके मिलते हैं जिनकी मदद से आप जो है अपने टेक्स्ट के ऊपर ओरिएंटेशंस को अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर आप लोग चाहते हो कि अगेन अपनी पुरानी पोजीशन पर आ जाए तो उसके लिए आप लोगों के पास यहाँ पर फॉर्मेट सेल एलिमेंट का ऑप्शन है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक विंडो अपेयर हो जाएगी और उस विंडो में आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन है ओरिएंटेशन का, जिसमें आप लोगों ने अपना इस टेक्स्ट को बिल्कुल मिड में लेकर आ जाना है, मीन्स की जीरो डिग्री पर, और यहाँ पर लाके ओके कर देंगे तो आपका टेक्स्ट जो है वो अपनी पुरानी पोजिशन पर अगेन जो है वो अपेयर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास इंडेंट्स हैं, मीन्स कि आप लोग अपने टेक्स्ट को लेफ्ट और राइट मूव करवाना चाहते हो, आपको अगर सेंटर में नहीं चाहिए, आपको थोड़ा सा आगे की तरफ चाहिए या पीछे की तरफ चाहिए, तो आप यहाँ से अपने टेक्स्ट को जो मूवमेंट है वो यहाँ पर करवा के आगे और पीछे की तरफ लेकर जा सकते हैं। तो ये कम ही ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ की, अगर आपको इसकी ज़रूरत पड़े तो आप इनको इंक्रीज और डिक्रीज करके अपने टेक्स्ट को लेफ्ट और राइट मूवमेंट करके यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है वो है रैप टेक्स्ट का ऑप्शन, और रैप टेक्स्ट का ऑप्शन आपके लिए क्या करता है कि आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर कोई ऐसा सेंटेंस टाइप करते हो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस टाइप किया दिस इज एन एप्पल, तो आप लोग नोट करें स्टूडेंट्स कि ये सेंटेंस जो है वो जहां से स्टार्ट हुआ दिस इज एन, जो कि आपके पास इस सेल में मौजूद है, और एप्पल आपको जो दिखाई दे रहा है वो नेक्स्ट सेल में अपीयर होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पूरा का पूरा सेंटेंस जो है वो आपके पास G9 के सेल में ही मौजूद है, सिर्फ इसकी लेंथ ज्यादा होने की वजह से आपको ये नेक्स्ट सेल में अपीयर होता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि ये नेक्स्ट सेल में भी मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नेक्स्ट सेल में कुछ टाइप करता हूँ जैसे कि, ठीक है, तो आप लोग नोट कर सकते हो कि जो एप्पल का वर्ड था वो आपके स्कूल के पीछे हाइड हो चुका है, ठीक है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम अगर आपके सामने आ जाए तो इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग यहाँ पर मौजूद रैप टेक्स्ट का जो ऑप्शन है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करोगे, उस टेक्स्ट वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें आपका जो टेक्स्ट है वो कंप्लीट अपेयर नहीं हो रहा, और सिलेक्ट करने के बाद आप लोग आ जाएंगे अपने रैप टेक्स्ट के ऑप्शन पे, और यहाँ पर आके जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे स्टूडेंट्स आप लोग नोट करें कि आपका जो सेंटेंस था वो प्रॉपरली जो सेल है उसके अंदर कंप्लीट उसने एडजस्ट करके आपको बता दिया। स्टूडेंट्स रैप टेक्स्ट का जो ऑप्शन है वो आपके लिए क्या करता है, वो आपके कॉलम की जो विड्थ है और रो की जो हाइट है आपके सेंटेंस या आपके जो वर्ड है उनके हिसाब से उनकी विड्थ और हाइट को एडजस्ट करके प्रॉपरली आपके सेल के अंदर एडजस्ट करके आपको दिखा देता है। ओके, तो स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन है। तो मर्ज एंड सेंटर का जो ऑप्शन है वो हमारे पास इस पर्पस के लिए यूज होता है कि आपकी शीट के अंदर जो सेल्स हैं, यहाँ पर जो आपको सेल्स दिखाई दे रहे हैं ये बॉक्सेस जो रेक्टेंगल की फॉर्म में हैं, आप चाहते हो कि आप कुछ सेल्स को सिलेक्ट करके उनको एक सेल बना दें, तो उसके लिए आप लोग मर्ज का ऑप्शन जो है वो यूज करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हम अक्सर ये काम अपनी शीट की हेडिंग को बनाने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर आकर आप लोग नोट करें कि ये कुछ सेल्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। सिलेक्ट करने के लिए आप अपने माउस से लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके रखेंगे और माउस को ड्रैग करके जहां तक आपने लेकर जाना है वहां तक ले जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोग नोट कर सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त हमारे पास ये एरिया जो है वो सिलेक्टेड फॉर्म में है, और इसके अंदर हमारे पास कितने सेल्स हैं, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 सेल्स इस वक्त हमने सिलेक्ट किए हुए हैं। स्टूडेंट्स जब आप लोग इसके ऊपर मर्ज का ऑप्शन अप्लाई करोगे तो जैसे मैं मर्ज पे क्लिक करूंगा स्टूडेंट्स आप लोग नोट करें कि ये जितने भी सेल्स हैं वो एक सेल में यहां पर आपको दिखाई देने लगेगा। तो नोट करें स्टूडेंट्स जैसे ही मैं इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूं मेरे पास वो तमाम सेल्स जो कि यहां पर मौजूद थे वो इस वक्त एक सेल में अपीयर हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हो कि जो ग्रिड लाइंस थी वो इस वक्त यहां से रिमूव हो चुकी हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मर्ज की मदद से आप लोग जो है बहुत सारे सेल्स को जो है तो एक बना सकते हैं, और इस ऑप्शन को हम अपनी हेडिंग के लिए, जो हमारी शीट होती है उसकी टॉप की हेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आज का आपका जो लेक्चर था वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।